हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख रेडी स्टडी। आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर सेकंड है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। याद करते हैं इन द प्रीवियस क्लास मैंने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन स्टार्ट करवा दिया था। वेरी सिंपल, कितने में प्रॉपर्टी बेचा कितने में खरीदा माइनस करो कैपिटल गेन आ जाएगा। बट दो टाइप के कैपिटल गेन होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, याद रखना ये वर्ड्स, ठीक है। चलिए, अगर आपने प्रॉपर्टी 2001 के पहले खरीदा है तो उसका FMV निकालना है 2001 का, कंपेयर करना है विच एवर इज हायर, वो हमारा परचेज प्राइस या इंप्रूवमेंट जो भी होगा वो आ जाएगा। बराबर है, याद आया कुछ ऐसा किया है आपने? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। श्री राम नारायण ओज अ रेसिडेंशियल हाउस विच ही परचेज इन 25th of June 1998। कभी खरीदा है? 2001 के पहले खरीदा है। कितने में? 1.5 लाख रुपए में। तो ये 1.5 लाख अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। फिर दिया है he incurred expenses of 1,50,000 toward cost of improvement on 20th August 2003। 2001 के बाद है तो भाई ये तो कंसीडर किया जाएगा। चलिए अच्छी बात है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1st April आ गया। जब भी प्रॉपर्टी आपके 2001 के पहले का होगा तो 2001 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या उसका फेयर वैल्यू? 8 लाख रुपए। 1.5 लाख, 8 लाख, विच एवर इज हायर, 8 लाख ये मेरा परचेज प्राइस बन जाएगा। चलिए ठीक है, He sold the house in 2020, नहीं यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है 2020 नहीं है 2022 आएगा। कितने में बेचा उसने? 95 लाख में। He purchased a new residential house for ₹25 लाख on 20th March 2023। कुछ नया पॉइंट आ गया, जरा ध्यान देना। 25 लाख रुपए का रेसिडेंशियल प्लॉट परचेज किया है कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में ही, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001-02 का दिया है, 2003-04 का दिया है, 2022-23 का दिया है। अपने को कैपिटल गेन फाइंड करना। ये जो कैपिटल गेन होगा ये कौन सा कैपिटल गेन होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। चलिए पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन तो कितने में बेच रहे हो? 95 लाख। फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन बराबर है फुल वैल्यू फॉर सेल्स, मतलब सेल्स वैल्यू बोलते हैं। माइनस करूंगा इसमें दो खर्चे, एक तो आएगा परचेज का खर्चा और एक होगा इंप्रूवमेंट का खर्चा, बराबर है। तो इसमें माइनस करूंगा मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। कितने में परचेज किया था मैंने? 1.5 लाख नहीं, 8 लाख इंटू CLI 331 डिवाइडेड बाय 100, बराबर है। फट से कैलकुलेटर ले लेंगे और कैलकुलेट करके इंडेक्स कॉस्ट 26,48,000। लॉजिक क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे क्यों किया इंडेक्स, समझ में आ गया? नहीं पक्का, इंप्रूवमेंट भी किया है तो भाई लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। भाई कितने का इंप्रूवमेंट किया था भाई साहब ने? तो उसने 1.5 लाख का इंप्रूवमेंट किया था। 1.5 लाख इंटू 331 अपॉन कौन से ईयर में किया था? 2003 में। 2003-04 में इन्फ्लेशन कितना था? 109 डिवाइड बाय 109। अरे समझा, चलिए डिवाइड करके बताइए कितना वैल्यू हो गया? 455,500। और कुछ है क्या? नहीं। टोटल ले लो कितना आ रहा है? इसका टोटल ले लो 30 लाख। 30 लाख से 31 लाख, 31 लाख आ रहा है। 31 लाख 3,504, 31 लाख 3,504। ये क्या होगा? माइनस होगा 95 लाख में, तो अपने को LTCG के अंदर आ जाए कितना? 50 60 लाख 96,496।
63,90,496. यहां तक क्लियर हो गया, ये हो जाता नॉर्मल सम। लेकिन इस भाई साहब ने इसी साल में 25 लाख का परचेज भी किया है। जब परचेज किया है तो अपने को मिलने वाला है इसमें डिडक्शन। कितने का परचेज किया है? लेस, न्यू परचेज, न्यू हाउस 25 लाख का। 25 लाख का माइनस करेंगे तो आपको आएगा LTCG। कितना है LTCG? माइनस कर दो, 38,96,400 एंड डन विद द सम। समझा? पक्का समझा? LTCG 63 लाख सीधा पिछले सम तक, बट क्योंकि इसने प्रीवियस ईयर में एक नया रेसिडेंशियल प्लॉट परचेज किया तो जितने का परचेज किया उतने का उसको डिडक्शन मिलने वाला है। आज ये छोटा सा सम में है, इसका एक्सप्लेनेशन और देने वाला हूँ मैं। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, इसका पूरा एक कंसेप्ट ही एक्सप्लेन करना है मुझे। आज के सम में नहीं ले रहा हूँ बट इसका एक कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है? आज के खाली इतना अपन ने डिडक्शन दे दिया, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, मिस्टर शांति भूषण ओज हुआ नहीं ना, इसम पक्का ना, ठीक है। ओज अ हाउस प्रॉपर्टी विच ही एक्वायर्ड इन 1986, कितने में? 2.5 लाख रुपए में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंक्रेड टू द प्रॉपर्टी इन ऑगस्ट 2006, भाई 2001 के बाद का है, लेना जाएगा 3,80,000 का। सोल्ड द प्रॉपर्टी, वापस से अक्टूबर 2020 नहीं आएगा, 22 आएगा। कितने में सेल्स किया है? 94 लाख में। ही एक्वायर्ड अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी फॉर इन द जैन 23 फॉर ₹3 लाख। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अजम्पशन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज 27 लाख। द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इज गिवन टू यू, अलग अलग दोनों का दिया गया है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें। कितने में बेचा प्रॉपर्टी? 94 लाख। भाई 94 लाख में सेल्स आ गया। अब माइनस करूंगा, पहले तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ क्या आएगा, परचेस। कितने में परचेज किया था? 2.5 लाख। अभी एक्चुअल में 27 लाख नहीं रहेगा, 2,70,000 रहेगा। करेक्शन है 101%, मेरे को मालूम है, टेक्स्ट बुक मेरे पास है नहीं, बट जो क्वेश्चन था उसके बेसिस पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 2,70,000 into 331 divided by 100, आईना पूरे में चेक करना, आपको 99% मिल ही जाएगा ये करेक्शन। कितना है? 8 लाख कुछ भी, कैलकुलेट करो अच्छे से। 8 लाख ही आ रहा है, तो फिर ये 27 लाख के बराबर है। फिर 27 लाख ही रहेगा, अगर 80 लाख आ रहा है तो ये 27 लाख ही रहेगा। 27 लाख into 331/100 89,37,000। सर आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों? अरे कॉमन सी बात है भाई, 94 लाख से बेच रहे हो, आज उसका कीमत 8 लाख रुपए रहेगा, कौन बेवकूफ रहेगा? 8 लाख का सामान 94 लाख में पॉसिबल नहीं है, क्लियर है? तो आज उस प्रॉपर्टी का कीमत 89 है, बेच कितने में रहे हो? 94। तो इतना तो कॉमन सेंस चाहिए था और कुछ भी नहीं। लेकिन सर अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में तो हमको पूरा मार्क्स, हाँ उस केस में आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। जैसे इस केस में मैंने 2,70,000 किया, 8 लाख किया, भाई नहीं लग रहा है, मैंने उसको 27 लाख अज्यूम ही करके रखा है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन अपने पास, मेरे पास नहीं, इसके लिए जैसा है मैं वैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन देखोगे तो आपको आंसर समझ में आ ही जाएगा। ओके राजस्थान, आगे इंप्रूवमेंट भी हुआ है तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। भाई इंप्रूवमेंट कितने का किया था? 3,80,000 का। 3 लाख कौन से साल में किया था? 2006 का इंडेक्स है 122 अपॉन सॉरी एक मिनट मिस्टेक, यहाँ पे 122 थोड़ी आएगा, यहाँ पे 331 आएगा ना, अपॉन 122 करिए, बताइए कितना आ रहा है? 3,80,000 into 331 divided by 122 10,30,000
9,983। अब आप भी कॉमन सेंस देख लो ना, अगर ये 10 लाख का इंप्रूवमेंट उसका प्रॉपर्टी का 8 लाख कीमत तो पॉसिबल भी नहीं था। चलिए ठीक है, टोटल कर लीजिए, इसका टोटल 99 लाख बराबर 99,67,983। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी में उसको होने वाला है लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लिखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिखना है। कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे? 5,67,983। अब तो डिडक्शन भी तो देना है। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई ये जो क्वेश्चन दिया ये परचेज 2021 का है, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं। डिडक्शन जो आपको प्रॉपर्टीज का मिलने वाला है ये प्रीवियस ईयर में होना चाहिए और विद इन 1 ईयर होना चाहिए। 2021 में गया, मैंने कहा ना इसका प्रॉपर्टी का मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, मेरे को बीच में वो कंसेप्ट को लाना नहीं है, सिंपल पहला सम करे, पहला दूसरा लेक्चर है, इसलिए मैं ये जो आपको डिडक्शन के बारे में उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट एक और लेक्चर लूंगा तब आपको अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, अभी एक ही लेक्चर हुआ है, सेकेंड लेक्चर में आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया पक्का? फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, यहाँ पे लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा, इनकम नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट सम पे जाते देखते क्या दिया है। विमला हाँ जी बोलिए। नहीं वो करेक्शन जो बोला ना बेटा, करेक्शन हो सकता है, मैं मान रहा हूँ मेरे को मालूम नहीं है, मेरे पास जो क्वेश्चन अभी टेक्स्ट बुक में इधर 99 लाख है और इधर 99 लाख तो भी लॉस आने वाला है 67,000 का एज पर अवर कैलकुलेशन जो अपन ने किया है उसके हिसाब से लॉस दिखा रहे। आपके लिए मैं वो नहीं बोल रहा, आंसर नहीं पकड़ने बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा कंसेप्ट को पकड़ो, बाकी आंसर आप अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिस से मैंने आंसर लिखा है, इस क्वेश्चन में करेक्शन तो आंसर में करेक्शन आना ही आना है। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। विमला सोल्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग एट जोधपुर फॉर ₹35 लाख। विमला ने 35 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेचा प्रीवियस ईयर में 2022 में। द बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड फॉर 3.5 लाख रुपए 2006 में, मतलब 2001 के पहले ये है बात का ही है। कितने में परचेज किया था? 3.5 लाख में। उसने ब्रोकरेज पे किया 30,000 का एट अ टाइम ऑफ सेल्स ऑफ द बिल्डिंग। मतलब ये जो ब्रोकरेज है ये कौन सा ब्रोकरेज है? सेल्स का ब्रोकरेज। शी इन्वेस्टेड 7 लाख इन परचेज ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन 22। वापस से परचेज वाला आ गया, ठीक है। कंप्यूट हर टैक्सेबल कैपिटल गेन कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन 2006-07 का 122 और करंट ईयर का तो मालूम ही है। चलिए अब मैंने प्रॉपर्टी कितने में बेचा? बट ब्रोकरेज भी तो है, तो क्या 35 लाख में बेच के पूरा 35 लाख मिला? नहीं, 35 लाख में 30,000 क्या होगा? माइनस होगा। तो 35 लाख माइनस 30,000 करोगे तो ये आएगा 34,70,000। ये कैसे आया समझा? फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, हमेशा ब्रोकरेज सेल्स का माइनस और परचेज का प्लस, ठीक है। अगर परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज पे कर रहे हो तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज पे कर रहे हो तो माइनस होगा। परचेज पी से चालू होता है प्लस करो, सेल्स एस से चालू होता है माइनस करो। सेल्स एस सब्ट्रैक्ट परचेज पी प्लस, कोई भी लॉजिक नहीं है बट याद रखो बस, ऐसे ही बोला मैंने क्या है। चले अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। पिल्लू ध्यान दे बेटा, कितने में परचेज किया? कितने में परचेज किया प्रॉपर्टी? परचेज किया 3,50,000 का। 3,50,000 कौन से साल में परचेज किया कुलदीप? 1,6 तो क्या इंडेक्स लिखने का? यहाँ पे इंडेक्स क्या लिखने का? वही पूछ रहा हूँ, क्या लिखने का? 331 अपॉन 2006 का इंडेक्स इतना 122, समझा? चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है बता दीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह है क्या? नहीं है ना, कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। कितना है यहाँ पे? 9,49,000। ठीक है, अब मैं वही कॉस्ट लिख रहा हूँ, मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। 9,49,590, कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह इसने नहीं किया है, मतलब ये अपना टोटल आ गया
9,49,590 माइनस कर दो, LTCG आ जाएगा कितना? 25,40,410। इसमें हम माइनस करेंगे परचेस। देखो परचेस भी किया उसने 7 लाख का परचेस भी किया। तो सर आपने पिछले लेक्चर में, पिछले सब में क्यों नहीं किया? उधर लॉस था, कंसेप्ट अलग था, इसलिए मैंने उस पर इंपॉर्टेंस दिया नहीं। यहाँ पे माइनस कर दो 18,20,410। समझ में आ गया कैपिटल गेन के सम्स? हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर में वो जो परचेज का कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर? आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।